बालाघाट पुलिस ने मोबाइल फ्रॉड के बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने सेंट्रल और प्रदेश की जांच एजेंसी के साथ मिलकर 20 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड पकड़ा है। मामले में पुलिस ने 300 से ज्यादा मोबाइल, 10 लाख रुपए को जब्त कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस फ्रॉड में शामिल नगर के मोबाइल विक्रेताओं के नाम भी पुलिस ने बताया है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में कड़ी दर कड़ी सब पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान एडीएसपी गौतम सोलंकी, सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव, थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े मौजूद थे। अब तक इस नेटवर्क के 8 मुख्य संचालकों को बालाघाट से गिरफ्तार किया है, जिससे पूरे देश में फैले अंतर्राज्यीय मेगा साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस नेटवर्क में शामिल 700 से अधिक संदेही देश की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जाँच के दायरे में है। उक्त मामले में बालाघाट पुलिस द्वारा आरोपी हुकुम सिंह बिसेन निवासी बालाघाट, मनोज राणा निवासी बालाघाट, सुशांत अग्रवाल निवासी रांची झारखंड, प्रभात कुमार निवासी रांची झारखंड, विकास उर्फ नितिन कुमार सिंह निवासी सरायकेला झारखंड, संजय महतो निवासी देवघर झारखंड, हरि निवासी चित्तूर आंध्र प्रदेश, श्रवण कुमार निवासी चित्तूर आंध्र प्रदेश शामिल है, जिसमें सभी पर अपराध दर्ज कर अपराध में शामिल मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में हमने जो एक फाइनेंशियल फ्रॉड रैकेट का जो खुलासा किया है, इसमें तीन चार तरह के अलग अलग जो मुख्य फ्रॉड हम लोगों को सामने आए हैं। ओटीपी फ्रॉड, जिसका आपको जानकारी है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जो ऑनलाइन ई शॉपिंग या ई कॉमर्स साइट पे जो फ्रॉड होता है वो फ्रॉड, और इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें भी इसमें संज्ञान में आई हैं। इसमें लगभग 700 से ऊपर जो इनके कंप्लेसेज हैं या इनके सहयोगी हैं, उनको चिन्हित किया गया है, और इसमें मुख्य जो 7-8 लोग हैं जो मुख्यतः इस पूरे नेटवर्क को रन कर रहे थे, उनको पकड़ने में मध्य प्रदेश पुलिस, आईबी और झारखंड पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस और हमारे अलावा 18 स्टेट की जो पुलिस लगी हुई है, उन्होंने इस रैकेट को बस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। इनसे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें अन्य भी कुछ इस तरह के रैकेट्स या उससे भी सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि उससे भी तार जुड़े हुए हैं, तो वो भी कम से कम 3 या 4 बड़े बड़े रैकेट्स इस तरह से हमारे स्कैनर में हैं, जिन पर भी शीघ्र ही विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा या सेंट्रल की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी द्वारा या मे बी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ही ये कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस का जो साइबर क्राइम का जो एक शाखा है, उसमें भी उनके द्वारा पूरा इसमें गंभीरता से, इनफैक्ट काफ़ी जो टेक्निकल सपोर्ट है उनके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि पूरा इनका फाइनेंशियल ट्रेल एनालाइज करने में और इनके द्वारा जो भी इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड या अन्य ओटीपी फ्रॉड किए गए हैं उसको ढूंढने में, उसमें नेटवर्क को ब्रेक करने में मध्य प्रदेश पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट की एक बहुत बड़ी योगदान है। तो बालाघाट जिले से पंकज दहरवाल की रिपोर्ट।
कुछ प्रोडक्ट्स को बिना प्रॉपर बिलिंग के खरीद रहे हैं और कुछ लोग फिर दोबारा से कुछ